ये भाड़ा खोलते ना वहाँ पे बांधेंगे। नीचे थोड़ा ज़्यादा तार बांधना टूटा। मिस्त्री के पास काम कर रहा था, वो लोग बोले हैं कि इधर देख सकते तो सब लेके बाहर ले जा। चलिए अभी चलते हैं किचन में, देख सकते हैं अभी धनिया का पत्ता डाल दिया। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल नगांती चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखिए। बाप रे, नगांती जी का ये क्या का व्यवस्था बना देती हैं। अब हटा दीजिए, क्या रहने दीजिए, उससे ना थोड़ा डिसकलर हो रहा था तो इसको लगा दी थी। ऐसे तभी पानी नहीं गिरेगा, कभी अचानक आ जाएगा। देखिए सुबह सुबह कोलगेट खत्म हो गया था, कोलगेट मंगाए हैं, इधर दूध दी दिए, पी के चलता हूँ ड्यूटी। फाइनली दूध पी लिया। ये देखिए कौन सी हल्दी मिला के पिला दी, बताइएगा फायदा करेगा कि नहीं। दूध में हल्दी थोड़ा सा डाल जाता सही रहता है। अब आप रिपीट निकाल दिए, भात पिला दिए, अब जाके ढोने चले पहुँच जाए, ढोने तो पहुँच जाएगी। तो ऐसी अपना आशीर्वाद बनाए रही दोस्तों, हमारा चैनल को भी आगे बढ़ाइए दिल से ना। मुझे बहुत खुश हुआ है इस वजह से, जो 7 महीने में हमारा 7000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। हाँ, दिल से धन्यवाद सबको, चरण छू के प्रणाम करता हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रही हमारे ऊपर, आ सही गलत का ऐसी सीख देते रहिए, कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाइए। चलिए मैं चलता हूँ बगैर लेट किए, नहीं तो सब पहुँच जाएंगे, कहेंगे तुम ही लेट आए हो ना। फाइनली अपने साइकिल से जा रहा हूँ, क्योंकि ना डीजे पढ़ने नहीं गया, तो मैं सोचा अपने साइकिल से जाऊँ क्योंकि परेशान हो जाते हैं। चल आने आने बैठ के, चलिए अभी कुछ ही देर में यहाँ काम करते हैं। फाइनली अभी पहुँच गया, चलिए अब सारा सामान निकाल लेते हैं जब तक वो लोग आएंगे। इधर भाड़ा ना रात को बांध दिए थे, देख सकते अभी सारा सामान फिट कर लेंगे, थोड़ा देखते हैं कितना जल्दी हो जाता है। चलिए सारा सामान निकालते हैं, एक बार आपको घर का लुक दिखाता हूँ दोस्तों, चाहे ढलाई हो जाएगा तो एक बार आके दिखाएंगे। इधर देख सकते हैं, ये शायद ये दुकान बनाइएगा ना जी, हाई वाला दुकान है इतना बड़ा, क्योंकि मार्केट में है ना, यहाँ से बस मार्केट कुछ ही दूर में है। तो चलिए कर बाबू, कल भाड़ा बांधे थे ना तो बड़ा बड़ा बांस इसमें लगा दिए थे, क्योंकि इधर भी अभी ये वाला भाड़ा खोलना है। चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ पहले, उसके बाद अभी ये सेटिंग खोलना है, एक ये सेटिंग है, फिर इसको खोल के ना उधर वो वाला में जाम करेंगे। तो चलिए पहले मसाला ढोने वाला सारा जो भी सामान है, अब मोटर फिट करना है अभी ट्राई करने के लिए ना रे बाबू। ये सरिया तो इसमें रख दिए थे क्योंकि अभी ये लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं ना, कोई इधर उधर करते सब निकल गया औजार, तासला कल धूल के रख दिए थे। चलिए मैं जब तक ये सेटिंग खोल लेता हूँ, आराम पड़ेगा क्योंकि ये वाला सेटिंग खोल के ना ये वाला दीवार पे लगाएंगे तो ये वाला दीवार चुनाई होगा। फाइनली सेटिंग खोल दिया, ये बांस अभी नहीं खोला क्योंकि ना इस पर लकीर नहीं काटे, कहीं काटना हो तो बांस रखा हो, फट दे रखे, दोपाटा रखे कर लेंगे। अब पिंटू भाई इधर आ गए मसाला नापने, चलिए मैं जब तक ईंटा ढो लेता हूँ क्योंकि इस पर ईंटा है ही नहीं, आप पुराना वाला पता लगेगा कहीं, नहीं तो यही उठा कर रख देता है, पुराना का ईंटा लगे मैनू। ठीक, फाइनली ईंट भी रख दिए, हमारे मिस्त्री साहब आ गए, चलिए अभी ये वाला सेटिंग खोल लेते हैं। अभी देख सकते हैं बोरा बिछा दिए, जो ऊपर से मसाला गिरेगा ना तो इस पर गिरेगा, इसको निकाल के फिर फेंट के दे देंगे तो वेस्ट ना हो, नुकसान ना। अभी फाइनली बोरा वोरा बिछा दिए, ईंट भी रख दिए, तो तीन टी मसाला सेट पे खाली कर देते वाला सब सेट में खोल लेता है ना। ऊपर से खोल दिए थे लेकिन यहाँ नीचे थोड़ा ज़्यादा तार बना टूटा है, तो इसको चलिए सीढ़ी लगा के खोल लेंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती करेगा ना तो रिपेयर निकल जाती है, क्योंकि कल एक ढलाई किया था इतना सीखने को मिलता है। तो अभी देख सकते हैं कितना चुनाई हो गया, अभी भाड़ा खोल के ना वहाँ पे बांधेंगे। सोनू आया है कुछ लाने के लिए, मम्मी भेजी होगी, साइकिल लेके आ गया था ना इसका, तो लेके जाएगा। अभी ये चुनाई हो गया, यहाँ का भाड़ा खोल के वहाँ लगा दिए,
अभी चल रहे हैं हम लोग लंच करने। ये आ गए फाइनली लंच करके, आई तो थोड़ा पानी मार रहे हैं क्योंकि मोटर नहीं लगा था। चलिए अब ज़्यादा ईट नहीं लग रहा, 4 इंच का चुनाई है और ये मूढ़ी में गर्दाना घुसे क्योंकि शाम हो जाता है ना तो नहा नहीं पाते, तो मूढ़ी में रहेगा तो किनिर किनिर करेगा। चलिए अभी पानी मार लेते हैं। अभी देख सकते हैं अभी आया हूँ जस्ट काम पे से, 7 बज रहा है दोस्तों, लेट हो गया था। क्या हुआ था ना, फाइनली रोड़ी बना दिए थे ज़्यादा और फार्मर लगा नहीं था, उन्होंने बोल दिया कि रोड़ी बना दो और बना दिए जब हम लोग तो लेट हो गया कलम डालने, क्योंकि माल वेस्ट नहीं कर सकते। कोई नहीं, नगांती जी गई हैं माइके माइके नहीं ससुराल, खाना वाना शायद बना के गई हैं। अब बच्चे देखिए सो गए हैं, जगह नहीं है, चलिए मैं उनको जगाता हूँ, नहीं तो खाना खा के ज़रूर सो गए होंगे। दोस्तों सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी मैं चल रहा हूँ काम पे। अनागांती जी गई है अपने ससुराल, उनके चैनल में दिखा होगा। बच्चे खाना वाना खा के चले गए बीजे विकास स्कूल, आकाश गया है उनके साथ और मैं दूध पी लिया क्योंकि आज ना दोपहर तक शायद काम होगा, ज़्यादा काम नहीं है। कल अधूरा जो बच गया था उसको जा रहे हैं फिनिशिंग करने, उसके बाद आएँगे तो फिर कोई खाना वाना गर्म गर्म बनाए, क्योंकि कल जो शाम को खाना बनाए थे वही बच्चे अभी खा लिए और मैं तो दूध पी लिया। ताला लॉक कर दिया, चल रहा है अभी हटते इधर। आज ना आता हूँ, देखता हूँ कब तक आता हूँ, उसके बाद खेत पटा के एक खादर और छीट देंगे, क्योंकि अगल बगल पटा के फिर खादर छीट रहे हैं वो लोग तो फूटना शुरू हो जाएगा ये वाला खेत गे। फाइनली काम पे, चलिए अभी ये सेटिंग ठोकेंगे, हम मोबाइल रख देते हैं क्योंकि आज लास्ट काम है, नहीं तो गिर उड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मोबाइल। चलिए अब उसके बाद रोड़ी बनाएंगे। फाइनली काम ख़त्म हो चुका है, आई दर्द। चलिए अभी चलते हैं, नहाएंगे धोएंगे। चलिए मैं खाद के दुकान पर छीट देंगे। अभी देख सकते फाइनल एक ऐसे लग रहा है। क्योंकि ना ऊपर दे रहा हूँ तो ना गिर जा रहा है। इधर देख सकते हैं तो सब लेके भाग ले जा। देख सकते हैं आ गया मिथुन का रूम पे, बड़े पापा ताला वाला लॉक करके गए होंगे कहीं। साइकिल ना बीजे लेके चला गया था सुबह में, पूरी जो बना था गर्म करके और सब्जी वब्जी खिला उला के भेज दिया था दोनों बच्चे को पढ़ने। जब तक देखते हैं शाम तक नगांती जाती है, अभी चढ़ रहा हूँ नहाऊँगा क्योंकि सुबह नहाया नहीं था। आज दो ही कलम था फार्मा बांध के उसको लगाना था, तो देखते हैं कितना देते हैं वो आपको बताएँगे, 6 दिन में कितना मिला वो भी बताएंगे, नगांती जाती हैं तो। चलिए अभी और उस पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए क्या क्या किए वो तो आपको दिखाई होगा वीडियो में, आने तो एक बार और बताएंगे। चलिए अभी 2 दिन के लिए काम अभी ऑफ है, बोल रहे हैं कि मैं बात करने जा रहा हूँ कहीं किसी और घर में दोनों मिस्त्री, तो आपको बताएँगे खबर करेंगे फिर चलना। जब तक 2 दिन में अपने घर को सजा लेते हैं जो उधर छोटा सा बनाए हैं। आ गया अपने घर पे, अब बच्चे अभी स्कूल गए, देखते हैं कब तक आते हैं, 3 ही बजे आएंगे। अच्छा तब चलिए घर में खाना सुबह का जो था उसको खा के चले गए थे, अभी कोई टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगे। अभी देख सकते हैं फाइनली नहा धोवा के रेडी हो गया, अब थोड़ी देर के बाद खाना बनाएंगे। 2 ही दिन में देख सकते ये दिखने लगा, कोई नहीं थोड़ा ना बैठे रहने से ना आदमी सूज भी जाता है, इसके असर हो सकता है। इधर देख सकते पटौनी हो रहा है, अभी बड़े पापा के पास गया था कि पाइप दे दीजिए हम लोग को खेत पटवाना, तो वो कल मिलेगा क्योंकि आलू पटा रहे, तो चलिए कल लिया था अपने खेत पटा के ना उसमें खादर छीट देगा। अभी मैं चल रहा हूँ वो वाला खेत देखने, हरे भरे खेत देख के और दिमाग फ्रेश होता है। चलिए आपको भी थोड़ा सैर करा दूँ। देख सकते गेहूँ का लुक कैसा फूट गया है, पूरा जितना गेहूँ है देख सकते, ये देखने आया था उस दिन पटौनी हुआ था ना, लेकिन बहुत सूखा पड़ गया था ना कि धान नहीं हुआ था तो बार बार सूख जा रहा है, लेकिन अभी चलिए हो जाएगा फूट गया। हेलो दोस्तों सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी देख सकते हैं सुबह सुबह धूप उगा हुआ है, कपड़ा सारा धुल के मैंने पसार दिया, नहा धोवा के पूजा पाठ कर लिया हूँ। सुबह का जो
कल शाम का जो खाना बना था उसको गर्म करके बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेज दिया हूँ। अभी चल रहा हूँ कोई टेस्टी टेस्टी खाना बनाने। अभी नागांती जी अपने ससुराल ही गई हैं, देखता हूँ आज शाम तक आती हैं कि नहीं। अभी ना दो तीन दिन काम किया हूँ तो अभी पैसा मिला नहीं है। आ एक बार मिला था तो उसका दवा लिया लिए थे, दवा भी ख़त्म हो चुका है। आ फिर मिलता है तो ये बांस लिया के ना इसको करेंगे, क्योंकि अभी दो तीन दिन काम कहीं नहीं है। मिस्त्री के पास काम कर रहा था, वो लोग बोले हैं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं काम, जिससे मिलते ही आपके पास कॉल करेंगे, आ जाना काम पे। चलिए जब तक अपना ये वाला जो काम है इसको कर लेंगे। देख सकते हैं अभी साफ सफाई करके घर को पानी थोड़ा मार दिया हूँ, इधर पूजा पाठ करके लाइट कट चुका है। आगे अपने फाइनल किचन में इधर बर्तन वर्तन धुल के पूरा रख दिया हूँ, और कढ़ाई भी। चलिए अभी ये है सब्जी, काट लेता हूँ पहले सब्जी। लिया दिया सब्जी अपने किचन में, आइए पता ना रंग किधर से गिर गया क्या है हल्का सा। चलिए इसमें बहुत टाइम लगेगा कटने में, क्योंकि छोटा छोटा लिया था ना, ये देखिए इसका सारा डंटी जो बीच का डंटी है उसको काटूंगा, बहुत टेस्टी लगता है। अभी देख सकते हैं फाइनली सब्जी काट दिया हूँ, सेम मटर और गोभी और आलू, और इधर प्याज जो जम गया था ना इसको भी इसमें काट दिया। वो थैला में पड़े पड़े देखिए कैसे जम गया है। आ इधर टमाटर, टमाटर थोड़ा दब रहा था तो थोड़ा ज़्यादा ही काटा हूँ, और हरा मिर्च। तो चलिए अभी 10 मिनट छोड़ता हूँ कि इसमें जो भी आप लोग सिखाए थे कमेंट द्वारा कि गोभी को अच्छे से साफ करें, तो पानी में ही डाल दिया हूँ, दो पानी धुल दिया हूँ फिर पानी में ही रख दिया हूँ। अभी चल रहा हूँ, देखिए क्या लिया ने, किधर धनिया का पत्ता है वो है ना कांति जी, थोड़ा धनिया का पत्ता भी डालूँगा। अच्छा मिल गया, ये देखिए धनिया का पत्ता कहाँ बोई है, अब बड़ा बड़ा हो गया दोस्तों। आइए सरसों का लुक देख सकते हैं हमारा खेतों का, ये देखिए। आ गेहूँ फूटना शुरू हो गया है, अभी ना थोड़ा सूखा सूखा हो रहा, कल इधर खेत पटाया हुआ था। चलिए मैं अभी खाना बना लेता हूँ, उसके बाद इसमें पानी छोड़ूंगा। चलिए धनिया का पत्ता तोड़ लेता हूँ, अभी ना थोड़ा आलू का पत्ता भी डालूंगा। इसको भी आप लोग बताए थे कैसा टेस्ट होता है, एक बार बनाई थी नागांती जी लेकिन मैं खाया नहीं पाया, आज मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। इधर देख सकते हैं मोटर कैसे फुला रहा है। लिया दिया तोड़ के खेतों में से धनिया और आलू का पत्ता, चलिए इसको साफ कर लेता हूँ पानी से अच्छे से। अभी देख सकते हैं सब्जी का लुक जो काटा हूँ, आलू का पत्ता डाल दिया ना अलग ही दिख रहा है। चलिए अभी चलते हैं किचन में। आ गया फाइनली अपने किचन में, गैस जला दिया, इधर सब्जी रखा हुआ, देख सकते हैं अभी हल्दी ख़त्म हो चुका है, अब हल्दी लाने कैसे जाऊं। चलिए मैं पहले, क्योंकि ना बिल्ली घर में घुस जा रही है, इसको ऐसे छोड़ के जाऊंगा तो छींट उड़ देगी, मैं पहले छमक लेता हूँ उसके बाद जाके लेके आऊँगा, पैदल ही जाना पड़ेगा, साइकिल भी नहीं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, देख सकते अभी छमक दिया, हरी मिर्च भी ज़्यादा डाला हूँ, ये लाल हो गया हरा मिर्ची है, तेजपात का पत्ता थोड़ा सा डाल दिया, गरम तो है लेकिन फिर भी एक ही डाला है, चलिए इसको भूज लेता हूँ। इधर सब्जी रखा हुआ, प्याज भुजा चुका है, हरी मिर्च देख सकते हैं, देख सकते हो अभी सब्जी का लुक तो हरा हरा दिख रहा है। अभी मसाला हल्दी डालेंगे, कितना टेस्टी बनता है दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में। बहुत सारा सामान डाला हूँ, आलू का पत्ता, मटर, गोभी और आलू और सेम। आप लोग बताइएगा इतना मिक्स करके कभी सब्जी बना के खाए हैं कि नहीं आप लोग, मैं तो आज बना रहा हूँ। चावल भी बैठा दिया हूँ, इधर देख सकते सब्जी को भूज भूज के, आप भी बनाए ना पत्ता ऐसे ऐसे डाल के पूरा पानी सुखा दीजिए भूज के, नहीं तो कड़वा लगने लगेगा। फिर अभी इसमें मसाला डाल देता हूँ, देख सकते हैं सब्जी का लुक भूज दिया, अभी चलिए इसमें पानी डाल देता हूँ क्योंकि हमें चावल से खाना है। देख सकते हैं भात दबकना शुरू हो गया, और इसमें पानी डाल के ढक दिया हूँ, अब थोड़ा डबक जाता है, थोड़ी देर में हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। अब बच्चे आएंगे टाइम से स्कूल से, खुश हो जाएंगे पापा खाना बना दिए, क्योंकि ना कल सुबह जो खाना बनाई थी नागांती जी उसको हम लोग सुबह भी खाए और शाम को भी खाए और उसके सुबह भी खाए,
ठंड के टाइम में पूड़ी बना के वो जो है थर्मस जिसमें रखने पर ठंडा नहीं होता है उसमें रख भर के गई थी, उसको हम लोग 3 दिन में सधाए दोस्तों, सुबह शाम और उसके बिहान वेला। आज जाके खाना बना है जब से गई हैं, 3 दिन हो गया तो 2 दिन। चलिए अभी कुछ ही देर में पानी पी, देख सकते हैं अभी धनिया का पत्ता डाल दिया, क्या सब्जी का लुक हुआ बताइएगा कमेंट में, अच्छा बना है कि नहीं, टेस्टी। यानी इधर चावल भी बन के रेडी हो गया, इधर सब्जी भी, एक बार और सब्जी का लुक दिखाऊं दोस्तों, इसलिए गैस पहले बंद कर देते हैं। ये देख सकते हैं अभी हल्दी हल्का कम लग रहा है लेकिन फिर भी सही है, ये देखिए हल्दी बराबर है, ऐसे कैमरा में सही दिख रहा था। तो चलिए अभी मैं चल रहा हूँ खाना खाने, आइए आप लोग भी हमारे यहाँ, चावल और बहुत सारा मिक्स करके सब्जी बनाए खा लीजिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली आज की वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक 1632, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।